टुडे वी विल डिस्कस अवर फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस फॉर क्लास फोर्थ. चैप्टर नेम इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है कि यंग वन से आगे उनके यंग वन प्रोड्यूस होना. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नीड फॉर रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड वेरियस वे इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, अप्रिशिएट द पेरेंटल केयर शोन बाय सर्टेन एनिमल टुवर्ड देयर यंग वंस. ओके, लेट अस स्टार्ट. फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन अर्थ, लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉग डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दे विल नॉट बी सीन आफ्टर सम ईयर. देखो, धरती पे सभी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं, अपनी जैसी काइंड के नए प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि डॉग है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपनी काइंड के बेबी नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हम डॉग को नहीं देख पाएंगे. लिविंग थिंग्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड बाय द प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज. दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं एनिमल्स. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन. कुछ एनिमल्स तो सीधा बच्चों को ही बर्थ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, काउज, मंकीज, कैट्स एक्सेट्रा. ठीक है. और सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पहले एग देते हैं, उसके बाद उसमें से बेबी निकलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, फ्रॉग एंड इंसेक्ट, ये सब उनकी एग्जाम्पल्स हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, उन्हें क्या बोलते हैं? मैनी एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं कि जो बच्चों को सीधा बर्थ जन्म देते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड दैम इज़ नोन एज मैमल्स. जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं और उन्हें मिल्क की फीड देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मैमल्स. देयर बॉडी इज़ कर्व्ड विद द हेयर, उनकी बॉडी हेयर से ढकी होती है. दी बेबी डिवेल्प इन साइड द बॉडी ऑफ देयर मदर एंड इट इज़ बॉर्न वैन इट इज़ फुली डिवेल्प. जो बेबी होता है अपनी मदर की बॉडी के अंदर डिवेल्प होता रहता है, और जब वो पूरा डिवेल्प होता है तब उसका बर्थ होता है. नेक्स्ट फेज है. मैमल्स केयर ऑफ देयर यंग वंस. मैमल्स होते हैं अपने जो उसके बच्चे होते हैं उनकी करते हैं केयर, पूरी तरह से करते हैं. ये देखो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं नीचे. वो अपने बच्चों को, जैसे ये एलिफेंट की एग्जांपल है, टाइगर की एग्जांपल है, ये सब उनकी एग्जांपल दी हुई हैं. ये सारे अपने बेबीज़ की क्या करते हैं? केयर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज है. एनिमल्स दैट ले एग्स. वो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग देते हैं पहले. बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स एंड फिशेज आर एनिमल दैट ले एग्स. जो एग्स देते हैं वो कौन से हैं? बर्ड्स, पंछी जितने भी हैं. ठीक है. इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, छिपकली, सांप वगैरह इसमें आएंगे. फ्रॉग्स, फिशेज, ये सारे पहले एग देते हैं. सम यंग वंस दैट कम आउट ऑफ देयर एग आफ्टर हैचिंग. और जब एग टूटने के बाद लुक लाइक द पेरेंट एनिमल, उसके बाद इनका बेबी बाहर आता है. सम अदर लुक वेरी डिफरेंट बट एज दे ग्रो दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स. अपने ये पेरेंट्स की तरह ही होते हैं जितने भी. जिस एग से, जैसे हैन का एग है तो उसकी उसमें से हैन का ही बच्चा निकलेगा. बर्ड्स, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट टू ले एग. बर्ड्स क्या करते हैं? एग कहाँ देते हैं? पहले वो नेक्स्ट बनाते हैं अपने. अ नेक्स्ट कीप द एग एंड द बेबी बर्ड सेफ. जो नेक्स्ट होता है उनका, वो उनके एग्स को और उनके बच्चों को क्या रखता है? सेफ. अ फीमेल बर्ड लेइंग एग इन द नेक्स्ट. जो फीमेल बर्ड होता है वो अपने नेक्स्ट में एग देता है. द पेरेंट बर्ड कीप द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन दैम. उसके बाद जो बर्ड एग देता है वो अपने एग के ऊपर बैठता है उसको वार्म गर्म करने के लिए. इसको क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन. दिस हेल्प द बेबी टू डिवेल्प इन साइड द एग. इससे क्या होता है कि अंदर वाला बेबी जो है वो एग बनना, मतलब डेवलप हो जाता पूरी तरह से. व्हेन दी चिक इज़ फुली ग्रोन, उसके बाद जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है. इट ब्रेक ओपन द एग शेल एंड कम्स आउट. और वो अब एग का ऊपर वाली पर्थ तोड़नी स्टार्ट कर देता है और बाहर आना स्टार्ट कर देता है. दिस इज़ नोन एज हैचिंग. इसको क्या बोलते हैं? हैचिंग. हैचिंग का मतलब होता है कि एग से बेबी का बाहर आना. द पेरेंट बर्ड प्रोटेक्ट एंड फीड द चिक्स टिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देम सेल्फ. वो अपने बच्चे की तब तक देखभाल और उन्हें फीड देते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते.
द चिक स्लोली ग्रोन इन टू एडल्ट एंड द साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. वैसे चिक बड़े बड़े होके फिर आगे बर्ड्स बन जाते हैं और आगे ये इनका सही साइकिल चलता रहता है. स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ते हैं. अ बर्ड्स एग हैज़ अ हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट द एग. सबसे पहले तो उसका ऊपर वाली जो कवरिंग होती है शेल उसे बोलते हैं. ठीक है. इनसाइड द एग देयर इज़ अ येलो पार्ट इन द सेंटर. एग के सेंटर में कौन सा पार्ट होता है? येलो. इट इज़ कॉल्ड योक. योक बोलते हैं इसे. इट इज़ एन एम्ब्रियो लाइंग ऑन इट अ चिक डिवेल्प फ्रॉम द एम्ब्रियो. उसके अंदर क्या होती है? एक एम्ब्रियो जिसमें चिक प्रोड्यूस डिवेल्प होता है. द एम्ब्रियो फीड्स ऑन द योक एज इट ग्रोन. ये फीड देती है योक को. ठीक है. नेक्स्ट पेज है. वाइट पार्ट अराउंड द योक इट इज़ कॉल्ड द एल्बम. जो वाइट पार्ट इसके इर्द गिर्द होता है इसके बोलते हैं एल्बुमेन. इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को ये बचा के रखते हैं. देर इज एन आई सैक कंटेनिंग एयर ऑन द ब्रॉडर एंड ऑफ द एग. द डिवेलपमेंट बर्ड्स ब्रीथ इन द एयर. एक साइड पे उनकी ये ब्रॉडर एयर सैक होती है, वहाँ से वो ब्रीथ वगैरह ब्रीथिंग उसकी होती है. नेक्स्ट है फिशेस. फिशेज ले एग इन वाटर. दे ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग एट ए टाइम. फिशेज कहाँ पे एग देती हैं? अपने पानी में देती हैं और एक ही समय बहुत सारी एग देती हैं. द मास ऑफ एग लेड बाय द फिश इज कॉल्ड स्पैम. उसको क्या बोलते हैं? स्पैम. एग ऑफ फिशेज डू नॉट हैव हार्ड शेल. शेल हार्ड वगैरह नहीं होते, सिर्फ जेली से. दे आर कवर्ड विद द जेली दैट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द वाटर. सिर्फ जेली लाइक होते हैं इनके अंडे और ताकि वो पानी से बचे रहें. आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग ओनली अ फ्यू हंड्रेड डिवेल्प इन टू यंग फिशेज. हजारों अंडों में से सिर्फ कुछ हंड्रेड ही, कुछ सौ ही या दो सौ फिशेज में डिवेल्प होते हैं, बाकी के टूट फूट जाते हैं या अदर एनिमल्स खा जाते हैं. बिगर फिशेज एंड अदर एनिमल ईट अप मैनी एग्स एंड यंग फिशेज सो ओनली अ फ्यू ऑफ दैम ग्रो टू बिकम अडल्ट फिशेज. ज़्यादातर उनके अंडे जो दूसरे बड़े एनिमल हैं वो खा जाते हैं और कुछ ही आगे ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है रेप्टाइल. स्नेक्स टर्टल लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल. रेप्टाइल कौन से होते हैं? जो क्रैवलिंग करते हैं. दे ले एग ऑन ग्राउंड. ये ग्राउंड पे एग देते हैं. देर एग हैव थिक एंड लीदरी शेल. इनके मोटे और शेल होता है. सो दीज एग्स डू नॉट ब्रेक वैन लेड ऑन द ग्राउंड. तो जब ये ग्राउंड पे गिरते हैं तो ये टूटते नहीं हैं. द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट बाय द सन. ये हीट ऑफ सन से, सन की हीट से गर्म हो जाते हैं. मोस्ट रेप्टाइल डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स और बेबीज. ज़्यादातर जो रेप्टाइल होते हैं वो अपने अंडों की देखभाल नहीं करते. सो मैनी एग्स एंड ईट्स वंस आर टेकन बाय द अदर एनिमल्स. सो इनके अंडे कुछ और बड़े एनिमल्स आकर खा जाते हैं. नेक्स्ट है फ्रॉग. फ्रॉग ऑल्सो ले एग इन वाटर इन सेफ प्लेसेस. ये पानी में ही एग देता है. लाइक फिशेज देयर एग्स आर आल्सो कवर्ड विद जेली. इसके एग्स भी जेली से ढके होते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग्स हैज मैनी स्टेजेस. इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की. द एग्स हैच इनटू टैडपोल. एग जब हैच होता है तो सबसे पहले टैडपोल बनता है. अ टैडपोल लाइक अ लिटिल फिश. छोटे फिश की तरह दिखाई देता है. आफ्टर अ फ्यू डेज इट स्टार्ट ग्रोइंग लेग्स. उसके बाद इसके लेग्स आनी स्टार्ट होती हैं. टैडपोल ग्रो इनटू यंग फ्रॉग विच लुक्स लाइक इट्स पेरेंट. उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने पेरेंट की तरह दिखाई देता है. अडल्ट फ्रॉग डज नॉट हैव टेल. इसकी टेल नहीं होती. लिव लैंड एंड प्रोड्यूस इन वाटर. रहता धरती पर है लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ करता है? ये पानी में. ठीक है. सबसे पहले क्या है उसके? टैडपोल एग. एग से टैडपोल बना. टैडपोल विद उसकी हिंड लिम्स आई. उसके बाद उसकी फोर लिम्स आई. उसके बाद वो यंग वन बना. यंग के बाद अडल्ट. ये लाइफ साइकिल इसका ऐसे चलता है. नेक्स्ट है इंसेक्ट. ऑल इंसेक्ट ले एग्स. सम इंसेक्ट सच एज ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच थ्रू थ्री स्टेजेस पासिस थ्रू स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल. इनकी कितनी स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की? तीन. ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच के बारे में पहले पढ़ेंगे. द लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच हैज थ्री स्टेजेस. कौन कौन सी हैं? एग, निम्फ और अडल्ट. अ बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग उसे क्या बोलते हैं? निम्फ. इट डिफर वेरी लिटल फ्रॉम द अडल्ट. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. डज नॉट हैव विंग्स. इसके कोई विंग्स वगैरह नहीं होते, पंख वगैरह, और छोटा बहुत होता है. एज इट ग्रो इट शेड ऑफ देयर ओल्ड स्किन एंड ग्रो इनटू न्यू वन. जब ये बड़ा होता है तो अपनी पुरानी चमड़ी को शेडिंग होनी शुरू हो जाती है और नई आनी स्टार्ट हो जाती है. इट इज़ कॉल्ड मॉल्टिंग. आफ्टर मैनी मॉल्टिंग्स आर निम्फ बिकम अडल्ट. उसके बाद ये अडल्ट बनता है. दी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. उसके बाद बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आ गया. बटरफ्लाई में क्या है? एग, लार्वा, प्यूप एंड अडल्ट. फोर स्टेजेस हैं.
The young one which hatch out of the egg are quite different from the adult butterfly. They look like worm. This is called larva. इसे क्या बोलते हैं? Larva. The larva of butterfly, इसे क्या बोलते हैं? Caterpillar. That a housefly is called a maggot. बटरफ्लाई के उसको बोलते हैं कैटरपिलर, और जो हाउसफ्लाई होती है घरों में मक्खियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं? मैगोट. अ लार्वा फीड ऑन लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली. आफ्टर सम टाइम इट कवर इट सेल्फ इन अ ककून. दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा. उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप को ककून से लपेट लेते हैं, इधर उधर ककून लपेट लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्यूपा. इन साइड अ ककून अ कैटरपिलर कीप चेंजिंग फाइनली अ प्यूपा बर्स्ट एंड अडल्ट बटरफ्लाई. उसके बाद जो प्यूपा होता है वो उसके अंदर ही जो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है और ब्रस्ट हो जाता है वो. एनिमल्स सच एज फिशीज, स्नेक्स, फ्रॉग, इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स एंड बेबीज. ये सारे जितने के नेम बोले हैं, ये अपने अंडों की और अपने बेबीज की देखभाल नहीं करते. देयरफॉर विदाउट प्रॉपर केयर मैनी ऑफ देयर एग्स एंड बेबीज आर रिटर्न बाय द अदर एनिमल्स. तो इनकी प्रॉपर केयर की वजह से, नहीं करने की वजह से इनके एग और इनके बेबीज को दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. And do not survive. Animal that take care of their young ones have a large number of young ones which survive. तो करके जो जिनके खा जाते हैं तो उनके यंग वन सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और जो अपने बच्चों की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं अच्छे से, उनके बच्चे फिर आगे सर्वाइव करते हैं.